हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर आर के मिश्रा सर। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि 15 के बाद से वीकली 3 वीडियोस में अपलोड करूंगा, तो ये अपना वीडियो नंबर 1 है। इसमें हम शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं 3 मार्क्स के लिए। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि काफी बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है व्हाट्सएप के थ्रू, और सुन सारे PDF लिंक व्हाट्सएप में सेंड किए जाएंगे। नीचे हमने कांटेक्ट नंबर भी, जो कांटेक्ट नंबर है, प्लस आपको सिटी नेम लिख के मैसेज करना है। काफी बच्चे ऐड भी हो गए, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है यह है स्टेट गॉस थ्योरम। बहुत याद रखना, 27 क्वेश्चन है इसके अंदर, और आप देख सकते हो कि 3 साल हो गया। मैं यूट्यूब के बेसिकली अर्निंग के पर्पज से इसे यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एग्जाम के ड्यूरेशन में बच्चों का हेल्प करता हूँ। साइड में मेरे और भी प्लान्स हैं क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड करने के, जो कि मैं लगातार करता चला जाऊंगा, क्योंकि मैं रेगुलर टीचर भी हूँ, तो थोड़ा सा टाइम को उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है स्टेट गॉस थ्योरम। अ थिन चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, टू दी पॉइंट आपको जो ये दिया हुआ है, जैसा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। एग्जैक्ट क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स, ये आप इसको, आप ये जो इसका एक प्रिंट आउट निकाल सकते हो और इसको आप रेफर कर सकते हो फॉर स्टैंडर्ड आंसर। तो देखिए, सबसे पहले गॉस लॉ आपको डिफाइन करना है, जो कि आपको मालूम ही होगा, और यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा निकाल देना है सॉल्व करके। ठीक है, उसके बाद देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी ऑफ पोटेंशियल वी, इट इज डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड टू कंप्लीटली फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट, हाउ विल। देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी एक्सपर्ट टीचर से, किसी से भी आप पूछिएगा, ये जो आपके 27 है 3 मार्क्स में, प्लस आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस ईयर के लिए, कि चूंकि 3 मार्क्स में 4 क्वेश्चन ऑप्शन में है, तो आप चेक कर लेना एग्जाम के बाद, ऑलमोस्ट सारे ही मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ता है, आई मीन क्या उसमें चीजें बदलती हैं, क्या चीजें चेंज होती हैं जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया जाता है फुल्ली। तो इसमें पहला कैपेसिटेंस का है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा एनर्जी स्टोर, आपको सॉल्व करना आता होगा। एनीवेज, स्टैंडर्ड आंसर आपको ऐसे ही 3 पार्ट में क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स आपको मिलेगा, तो 1 मार्क सिंपली ऐसे कर देना, के टाइम्स बढ़ जाती है कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के टाइम डिक्रीज हो जाती है, और इवन जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। थर्ड देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल बैलून, शो हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी। देखिए, ग्राफ बनाने को आता है, तो यहाँ पर सिंपली आपको इसका डायग्राम बनाना है, और दोनों पॉइंट पे आपको फील्ड निकाल के ग्राफिकली आपको क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है। एक इलेक्ट्रिक का आर के साथ वेरिएशन, और एक पोटेंशियल का एक्स के साथ, वही आर के साथ वेरिएशन। तो आपको पता ही होगा कि इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ये वाली लाइन, और उसके बाद डिक्रीज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियोमीटर का, इट्स मीन्स दैट पोटेंशियोमीटर अगेन इंपॉर्टेंट है। आप पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस छोड़ना नहीं। सबसे पहले तो व्हाई डू वी प्रिफर पोटेंशियोमीटर टू मेजर डी एम एफ ऑफ सेल देन वोल्ट मीटर, तो आपको पता ही है ये नल पॉइंट पे काम करता है पोटेंशियोमीटर, और वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस होता ही होता है, इसीलिए हम प्रिफर करते हैं पोटेंशियोमीटर, एक्यूरेट रीडिंग देती है। दूसरी चीज, आपको इसमें ईएमएफ को कंपेयर करना है, तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड आंसर है, सिंपली आपको मैंने बताया ही है कि क्यों प्रिफर करते हैं, और उसके बाद E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2 कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज। तो देखिए, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, वैसे तो एक ऑप्शन आता है, बट एज ऑप्शनल बढ़ चुके हैं, 4 ऑप्शन है, तो हो सकता है, माइट बी कि दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाए। तो ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर मीटर ब्रिज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन फॉर मीटर ब्रिज, फाइंड द शिफ्ट इन बैलेंस पॉइंट फॉर अ मीटर ब्रिज व्हेन टू रेजिस्टर इन इट्स टू गैप्स
आर इंटरचेंज। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिंपल, आप पहले तो वर्किंग डिफाइन कर देनी है, उसके बाद इक्वेशंस बना देना, और अगर इंटरचेंज होगा तो क्या इफेक्ट आएगा वो चीज आपको देख लेना है। दूसरी चीज, अगर किसी ऐसे बच्चे, बहुत बार मैंने देखा है कुछ बच्चों को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आपको लगता हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो देखिए आपका चॉइस है, बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम। ठीक है, जो ट्रस्ट करता है, जो फेथ करता है, क्योंकि आफ्टर पेपर आप मैच कर सकते हो चीजें, और ऑब्वियसली ये एक हेल्प करने के लिए है, तो ट्रस्टफुलनेस, ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते इट्स ओके, ठीक है, आप देर आर लॉट ऑफ वीडियोज, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, एनीवेज आपके पास देखिए स्टैंडर्ड आंसर है। नेक्स्ट, इस पे विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ पोटेंशियोमीटर कैन यूज टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। तो मैं चूंकि वीडियो स्मॉल कंटेंट का बनाता हूँ, तो मैं 15 मिनट में जितने क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे, और आज 2 दिन का आपका काम है, ये एकदम आपको याद हो जाने चाहिए। इवन आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी आप चेक कर लेना। ठीक है, आप वहीं से वेरीफाई कर सकते हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम आपको पोटेंशियोमीटर, जो हमने अभी देखा कि कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी मेजर करने के लिए आता है, तो आप देखिए एट टू रेट जो जो लिखा है, जैसे लिखा है ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो। और स्मॉल आर L1/L2 -1 × R, और आपको मालूम ही होगा L1 यहाँ पे नल पॉइंट है फर्स्ट बैटरी के लिए, और L2 नल पॉइंट है सेकेंड बैटरी के लिए, एंड कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सेवन की अगर हम बात करें, सॉरी यहां पर हम देखें ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मींस एक पहले आपने ये देखिए, पहले आपने ये की नहीं ओपन ओपन कर रखा था, तो इससे एक नल पॉइंट निकला L1, और जब आपने ये की क्लोज कर दिया तो इसकी वजह से एक नल पॉइंट आया L2, यानी एक रेजिस्टेंस ड्रॉप के साथ है और एक EMF के साथ है, और उनका रेशियो। नेक्स्ट है, आप गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, और दूसरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना। तो आपको पता है शंट रेजिस्टेंस अगर हम ऐड करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो डिक्रीज हो जाता है, और एज करंट नापने के लिए रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, इसीलिए हम शंट यूज करते हैं। दूसरी चीज, शंट की वैल्यू बहुत ज्यादा भी नहीं कर देना है, ठीक है, स्मॉल शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं। शंट का मतलब पैरेलल होता है, और यहाँ से आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। आपको पता है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो अगर यहाँ I-IGS और यहाँ पर IGG है, तो दोनों को बराबर करके आप S निकाल सकते हो, जिसे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बना सकते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू सेलेक्ट मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए परमानेंट के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें माइंड में रखनी है, वो है हाई रेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी और हाई परमेबिलिटी, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हाई इनिशियल परमेबिलिटी और लो रेंटिविटी। ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए हाई इनिशियल परमेबिलिटी, लो हिस्टेरेसिस लॉस एंड लो रेजिस्टिविटी। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट आर एडी करेंट, राइट थ्री इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, व्हाई आर एडी करेंट प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एसी जनरेटर, डिसएडवांटेजेस हाउ कैन दे बी मिनिमाइज। तो आपको पता ही है कि एडी करंट कहीं पे भी अगर फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स की वजह से ईएमएफ होता है, ईएमएफ की वजह से करंट पैदा होता है, जो कि कन्वेक्शनल करंट को अपोज करता है, उसी को हम एडी करंट कहते हैं, और ऑब्वियसली जो चीज अपोज करता हो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस है। इसके एडवांटेज भी हैं, जैसे मैग्नेटिक ब्रेकिंग में काम आता है, डैम्पिंग में काम आता है, इंडक्शन फर्नेस में काम आता है, इलेक्ट्रिक पावर मीटर में काम आता है, स्पीडोमीटर में काम आता है, लेकिन चूंकि आपको पता है कि कोई भी करंट है वो कहीं ना कहीं एक हीट ऐड करता है सिस्टम में, तो इसीलिए अनडिजायरेबल भी है, इसीलिए इसे कोर ऑफ ट्रांसफार्मर में हम इसे मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो आप पूरा बल्क पीस ना लेके पतले पतले शीट ले लीजिए, और उसको बाद में इकट्ठा करके आप देखो एरिया उतना ही रहेगा, सिर्फ वो जो थिकनेस है वो काफी कम हो जाएगी, प्लस आप उसे एक दूसरे से लेमिनेट कर दीजिए सारे शीट से, ताकि वो एक दूसरे को कहीं भी एक क्लोज लूप में रेक्टिफाई ना करे, और आपका जो एडी करंट है वो मेंटेन, मतलब सिस्टम में रिड्यूस हो जाए। थर्ड है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनर्जी निकालना, मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं, जो इंडक्शन में जो एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक होती है, और कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक होती है। एनीवेज जितनी एनर्जी के डेरिवेशन है, तीन है हमारे पास, कैपेसिटर का, रेजिस्टर का और इसका,
इंडक्टर का, ये तीनों हमें डिराइव करना आना चाहिए। बस एक चीज याद रखना, रेजिस्टेंस स्टोर नहीं करता है, इंडक्टर जब तक करंट है तब तक एनर्जी है, कैपेसिटर एक स्टोरिंग डिवाइस है। तो यहाँ पर आपको इंडक्टर का मैग्नेटिक एनर्जी निकालना है। ऑब्वियसली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, LIdI/dt, और यहाँ से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का रिलेशन भी पूछा जाता है, और EM वेव में क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये फॉर्मूला आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए, B²/2μ0, ठीक है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सोच रहे होगे सर इसको 3 मार्क्स में आप रखियो, देखिए मैंने आपको बताया चूंकि ऑप्शंस बढ़े हैं, 4 ऑप्शन इस बार आएगा 3 मार्क्स में, और आपको सारे क्वेश्चन उन्हें कवर करना है, ठीक है। तो ऐसा है नहीं कि वो बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, कुछ 5 मार्क में न्यूमेरिकल प्लस थियरी का कॉम्बिनेशन देके, या हो सकता है 5 पार्ट में एक क्वेश्चन को देके, जो बेसिक क्वेश्चन है उसे 3 मार्क्स में देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। तो जिसमें ट्रांसफार्मर एक अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है जब सेपरेशन बिटवीन कॉइल डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल इंक्रीज होता है, और एक जब थिन आयरन शीट प्लेस होता है। तो देखिए इसके आंसर आपके सामने है। पहली बात तो जब भी सेपरेशन ऑफ कॉइल इंक्रीज होगा फ्लक्स कम होता है, और फ्लक्स कम होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन कम होता है। दूसरा अगर नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली म्यूचुअल इंडक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है। तीसरा अगर आप कोई भी आयरन शीट प्लेस करते हो, ऑब्वियसली आयरन शीट का जो रिलेटिव परमियाबिलिटी है वो इंक्रीज होता है, यानी बड़ा होता है, देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्शन भी इंक्रीज होगा। 13 देखिए, बाय स्टेटिंग, ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर का आपको रिलेशन निकालने को, यू वी एंड एफ का, याद रखिएगा कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के साथ तैयार आप कर सकते हो, बाकी कॉनकेव थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होता है इसलिए वो एग्जाम में देने की कोशिश करते हैं। तो मिरर आपको पता ही है साइन कन्वेंशन, बेसिकली एजम्पशन। ये देखिए यहाँ पर आपके पास कॉनकेव के लिए डेरिवेशन है, और आई होप आपको ये पता हो, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं एक चीज आपको याद रखना है, सबसे पहले तो आप रे डायग्राम बनाइए, ठीक है, और डेरिवेशन के लिए हमें 3 लाइन चाहिए, देखिए 1 2 3, ठीक है, एक सीधा, एक जो भी पॉइंट आगे है, देखिए इसके आगे का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से और एक पोल से, फिर जितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं आप उसको नोट कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं एक बार इस प्रोसेस को रिपीट करना बहुत इजी है, वैसे तो मैं इसे बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा, जितने राइट एंगल ट्रायंगल है उसे आप लिख लीजिए, ठीक है। इसमें आप देखिएगा एक पॉइंट कॉमन होता है हर राइट एंगल ट्रायंगल में, जो एक पॉइंट कॉमन है वो ऑब्वियसली सिमिलर होगा, ठीक है, और वो सिमिलर होते ही आप सिमिलर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर होता है, वो सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू पुट करिए, आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। बाकी मैं एक बार जो भी आप नीचे कमेंट करना, कोई अगर इसमें स्पेशली आप जैसे कि जितने क्वेश्चन इसमें आपको स्पेशली चाहिए कि सर ये वाला क्वेश्चन ये वाला सॉल्यूशन एक्सप्लेन करिए अच्छे से, तो मैं उसे अलग से एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। 14 क्वेश्चन देखिए, TIR अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले देखिए क्या होता था कि पहले एक टॉपिक आता था रेनबो, बट रेनबो जब रेनबो और डिफेक्ट ऑफ आई, लेकिन ये दोनों टॉपिक CBSE जब से निकाल दी है तब से आपका ऑप्टिकल फाइबर, आपने नोटिस किया होगा ऑप्टिकल फाइबर अलग से, यानी कि जो एप्लीकेशन है TIR का उसके बावजूद भी ऑप्टिकल फाइबर एक टॉपिक के तौर पे है। तो ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इवन TIR बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो प्रिज्म के ऊपर एडवांटेज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से करना फिर, और वो ऑप्टिकल फाइबर भी कर लेना, वैसे तो मैं आगे दिया हूं बट ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे मैं रिपीट कर दूं, इंपॉर्टेंट है। 15 देखिए, कॉन्वेक्स लेंस मिरर, देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वो अलग अलग मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे किसी कॉन्वेक्स लेंस को हम किसी डेंसर मीडियम में डाल दे तो क्या हुआ, किसी कॉनकेव को डेंसर में डाल दे तो क्या हुआ, रेरर में डाल दे तो क्या हुआ। यहाँ पे एक चीज आपको माइंड में रखनी है कि कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग क्यों है, क्योंकि जब रेरर से डेंसर कोई वेव आती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाती है, इसलिए वो कन्वर्जिंग है। और कॉनकेव डाइवर्जिंग क्यों है, क्योंकि वो टूवर्ड्स नॉर्मल डाइवर्ज करती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको माइंड में रखना है कि रेरर से डेंसर है
तो ऑब्वियसली जो उसका ओरिजिनल कंटेंट है जैसे कन्वर्जिंग है तो कन्वर्ज करेगा, लेकिन अगर उल्टा कर दिया आपने, डेंसर से रेयर ला रहे हो, चीजें बदल जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा आपको पता ही है कि म्यू इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, पहला है एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसे हमने एक मीडियम में कैप्ट किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और जो कॉन्वेक्स लेंस है सॉरी कॉन्वेक्स लेंस जो बना है वो N1 से बना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें वो रखा हुआ है वो N2 से। अगर N1 N2 से बड़ा हो तो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि लेंस डेंसर हो जाएगा और साइड में रेयरर हो जाएगा कन्वर्जिंग। N1 N2 बराबर है तो ऑब्वियसली प्लेन प्लेट की तरह काम करेगा, कोई भी रिफ्रैक्शन यहाँ पर नहीं होगा। और अगर N1 N2 से बड़ा है तो ये कॉनकेव की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। यहाँ सॉरी एक मिस्टेक है, ये कॉनकेव होगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखिए, YDSC क्वेश्चन है। YDSC के अंदर आपके सॉरी डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है यहाँ पे इन सिंगल स्लिट। आपको पता ही होगा डबल स्लिट YDSC है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आगे आएगा, लेकिन सिंगल स्लिट और उसके बाद एंगुलर विड्थ के सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे। देखिए बच्चे क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन में सारी चीजें बहुत तो पढ़ते हैं, लेकिन वो ब्राइट फ्रिंज जो डबल होता है वो चीज वो माइंड में नहीं रखते हैं। तो याद रखना, आपके जो सेंटर में एंगुलर विड्थ जो डबल हो जाती है उस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। और दूसरी स्लिट विड्थ इंक्रीज डिक्रीज करने पे क्या होगा, लाइट का वेवलेंथ चेंज करने पे क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन चेंज करने पे क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। तो आप सिंपल ये फॉर्मूला से लगा सकते हो, ठीक है। बाकी एक चीज याद रखना है कि जो सेंटर वाला वो डबल होता है। 17th में आपके पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और यूज दिस इक्वेशन टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था। और यहाँ पे आपको, वैसे मैं यहाँ पे चूंकि इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं इसे एक्सप्लेनेशन पार्ट में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको अलग से जैसे डिस्कस कराना है तो मैं उसे ऑन बोर्ड भी पढ़ा दूंगा। तो यहाँ देखिए, बस यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आइंस्टीन ने कहा कि जो एनर्जी आती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो वर्क फंक्शन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी चाहिए, दूसरा एक्सेलरेट करने में। क्योंकि अगर सिर्फ पूरा का पूरा बाहर ही निकालने में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, आपको पता है जो मेटल है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा अपनी तरफ, इसीलिए उसे कुछ पार्ट उसको एक्सेलरेट कराने के लिए भी आएगा, तभी वो अपोजिट दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो साइड में लगा है उसकी तरफ वो एक्सेलरेट कर पाएगा। और वहां से आप एक इक्वेशन बना सकते हो और के मैक्स के लिए इक्वेशन निकाल के, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चारों आपको याद करना पड़ेगा, हर चीज समझने की है, ओके बहुत इजी है, आप समझ भी सकते हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे लॉ हो गया, थियरम्स हो गए और एक्सप्लेनेशन पार्ट है, यहाँ टू दी पॉइंट लिखना होता है बोर्ड में, ठीक है। आप बहुत ज्यादा अगर आप एक्सप्लेन करने के चक्कर में जाओगे तो ऑब्वियसली पेपर लेंदी बनेगा, ठीक है, और वो आपका कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट को परेशान करेगा, या कोई ना कोई प्रॉब्लम मैंने देखा, इवन टॉपर्स जो हमारे हैं, जो 100 हर साल, मतलब जो हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है कि वो बहुत ज्यादा लिखने के चक्कर में जो टाइम लिमिट है, टाइम बाउंडेशन है उस पर, खैर टाइम लिमिट पे मैं अलग से बात करूंगा क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड भी है। एनीवे, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक और टाइम लैग, ये चार पॉइंट होने ही होने चाहिए। 18 क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए वो ग्राफ, उसके बाद स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लैंक कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं और वर्क फंक्शन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये ग्राफ 100% लेवल याद होना चाहिए, ठीक है, और स्लोप क्लियरली दिखाना पड़ेगा कि जब हम स्लोप निकालेंगे तो वो AC/BC, मतलब ये पूरा करके दिखाना है, ठीक है। और प्लैंक कांस्टेंट कई बार यहाँ एक नंबर में डिटरमाइन करने को भी दे देता है कोई न्यूमेरिकल देके, ठीक है। तो आपको ये वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। 19th क्वेश्चन है कि वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन एज फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन इंडिकेटेड द रीजन इन विच द न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव और कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना है, ठीक है। तो देखिए आपको पता ही होगा कि जहां पर पोटेंशियल नेगेटिव होता है वहां पर ऑब्वियसली अट्रैक्शन आ जाता है, और जहां पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वहां रिपल्सन होता है। तो न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट।
दे आर नॉन सेंट्रल फोर्स, ये तो दो प्रॉपर्टी हो गई। और यहाँ पर आपने देखा होगा सी टू ए हमारे पास अट्रैक्टिव है, ठीक है, और ए टू सी। तो देखिए जहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखो जैसे जैसे हम आर बढ़ा रहे हैं अचानक जो फोर्स है वो लगातार रिपल्सिव होते जा रहा है, एक पॉइंट के बाद दोबारा अट्रैक्टिव की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट रेडियो एक्टिव डिके लॉ डिराइव करना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, आप इसे केमिस्ट्री के 11th में भी पढ़े हो तो आई होप आप कर सकते हो। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर कई बार ये जो कांस्टेंट है आप लिमिट अगर यहाँ डालते हो, ठीक है, तो वहां कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। मैंने देखा है केमिस्ट्री के बुक में बच्चे जो कि वही वाला रिपीट करते हैं कि के की वैल्यू अलग से निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लिमिट अगर लगा दिए तो कांस्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है। 21th क्वेश्चन देखिए, आपको मास नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लीजिए, 100% आता है ये हर साल, ऑब्वियसली आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है, और इसका दो साइलेंट फीचर और बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करना, ठीक है, तो ये आपको लेवल याद होना चाहिए, प्लस इनका साइलेंट फीचर आपको मालूम ही है, तीन पार्ट में आप लिख सकते हो। ये बीच वाला पार्ट आपको पता ही है, यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी का, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज स्टेबल है, जिसमें आयरन आता है। पहला वाला पार्ट में देखिए बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, मास नंबर कम है, तो इनकी जो वैल्यू है वो काफी हद तक ग्रेटर है, जिसकी वजह से फ्यूजन फ्यूजन करते हैं, और लास्ट थर्ड वाले पार्ट वाले फ्यूजन करते हैं, क्योंकि इसका देखिए बाइंडिंग एनर्जी यहीं तक है, इवन आयरन से भी कम है, और मास नंबर काफी ज्यादा है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन से भी कम है लेकिन मास नंबर काफी ज्यादा है, इसलिए ये सोचते हैं कि हम डिवाइड हो जाए ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक है, और डिवीजन को हम फिजन कहते हैं। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डेरिवेशन पक्का आता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, इसे 100% करना। और एक चीज और यहाँ ऐड कर लीजिए, ग्राफ भी बनाने को आएगा एम्पलीट्यूड का, ठीक है। 23rd, डिस्कस द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों याद रखना है। 24 में आपको कंडक्टर इंसुलेटर सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, याद रखिएगा क्वालिटेटिव ओनली है, यानी टू द पॉइंट लिखना है, सिलेबस में कहीं भी एनालिटिकल नहीं जाना है इसको। बैंड गैप के ऊपर फिगर बनाना है, बैंड गैप टेंस टू जीरो, ओवरलैप ये हो गया कंडक्टर, अगर मीडियम है ठीक है तो ये हो गया सेमी कंडक्टर, और अगर काफी ज्यादा ग्रेटर देन 3 EV है तो वो हो गया इंसुलेटर। नेक्स्ट 25th में देखिए, ये आपके पास आइडेंटिफिकेशन टाइप है, दो सेमी कंडक्टर है ए एंड बी, ठीक है, इन्हें डोप किया गया क्रिस्टल से विथ आर्सेनिक और इंडियम रिस्पेक्टिवली, द टू आर ज्वाइंट एंड टू एंड कनेक्टेड इन बैटरी। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, रिवर्स बायस में जस्टिफाई करना है, दूसरा इसका VI ग्राफ बनाना अरेंजमेंट का। तो ऑब्वियसली देखिए जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से किसी चीज को, क्योंकि जर्मेनियम को आपने आर्सेनिक से किया, दैट इज पेंटावेलेंट, तो एन टाइप बनता है, ठीक है। और जब आपने, सॉरी एक मिनट, जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोप करते हो तो आपको पता है इसमें चार है एक वैकेंसी, ठीक है, यानी कि वहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो नंबर ऑफ होल से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक तरीके से डोनेट किया, ठीक है, जो हमने डोपिंग मटेरियल लाया वो एक्चुअली डोनेट किया, तो वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाता है, ठीक है। और अगर हम उसे ट्राईवेलेंट से डोप करते हैं तो ऑब्वियसली ट्राईवेलेंट स्पेस 3 था और आपने चार इलेक्ट्रॉन थे और स्पेस आपने 3 लाए, ठीक है, तो आप एक चीज यहां पर आपको नोट करना है, पहली चीज तो दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, दो सेमीकंडक्टर है ए एम बी, पहले ए एंड बी को, और जर्मेनियम क्रिस्टल जर्मेनियम को आर्सेनिक से किए, ठीक है, और जर्मेनियम को ही दोबारा इंडियम से किए, इंडियम से किए, चलिए, तो आपको पता ही एक एन बना लेगा और एक पी टाइप बना लेगा, ठीक है, वो एक्चुअली हमने अलग अलग दिखा था, वो जर्मेनियम ही है, उसको एक बार उससे किए, दैट इज आर्सेनिक से, और एक बार इंडियम से, ठीक है, तो एन एंड पी टाइप दोनों बना लेंगे। और आपको चूंकि दिख ही रहा है कि जो जंक्शन है ए एन है और एन को पॉजिटिव से मिला दिया, बी पी टाइप बन रहा और उसे नेगेटिव से रिवर्स बायस हो गया, ठीक है, और रिवर्स बायस का ग्राफ ये आपको बनाना है। एक चीज आप यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं इनकम्प्लीट है, यहाँ माइक्रो एमिटर जरूर दिखाना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
26 अगेन याद रखना, 2 मार्क्स में सीधा सीधा ये क्वेश्चन, 2 मार्क मतलब 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, बट 2 मार्क्स सर्किट डायग्राम का ही होता है। तो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर यूजिंग एनपीएन और ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो देखिए ये आपके पास लेबल्ड होने चाहिए बहुत टू दी पॉइंट, जो जो पूछा है यहाँ सर्किट डायग्राम पूछा है, सर्किट डायग्राम बना दिया, या आपको एक इन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इक्वेशन वो ग्राफ बनाना है इनपुट और आउटपुट का, वो आपने बना दिया। 27 क्वेश्चन में एसी वोल्टेज दिया, इंडक्टर दिया, आपके पास आई का एक्सप्रेशन चाहिए। अच्छा यहाँ पे ये डेरिवेशन के साथ साथ एक चीज आपको याद रखना है कि रेजोनेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेजोनेंस भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 28, इसमें देखिए वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर विद टेम्परेचर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, आपको टेम्परेचर कोफिशियंट निकालना है, दैट इज अल्फा। तो आपको मालूम ही आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू थीटा करना होता है, और दूसरा रीजन देना है कि क्यों कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियसली जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए हो गए होंगे। तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड 2019। मैं फिर बता दूं कि इस बार ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के 3 मार्क्स में अच्छे, जो स्टैटिक पोर्शन है उसका रीजन क्या है कि इस बार ऑप्शनल बढ़ चुके हैं, 4 क्वेश्चन में ऑप्शन होगा, ठीक है, थोड़ा पेपर लेंदी जाएगा, बट हाँ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो इजिली, ठीक है। तो थैंक्स फॉर फॉलोइंग सून। अब हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का पीडीएफ मतलब 3 स्लॉट में आपको ले जाएंगे, एक तो 3, 2, 1 मार्क्स, उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स की भी बातें यहाँ पर करेंगे। तो ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो शेयर करने का, और अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो तो ही आगे बढ़िए, नहीं ट्रस्ट कर रहे हो तो इट्स ओके। देखिए बहुत सारे वीडियोस हैं, इवन आप के पास पूरा सिलेबस है, यू नो व्हाट आर गुड फॉर यू एंड व्हाट आर बैड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नीचे लिंक में मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, ताकि कोई भी उसमें जैसे आप अगर कोई क्वेरी आप पूछ सकते हो, बाकी आप यहाँ कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। Are you preparing for the IIT JEE, NEET, CBSE, NTSE, and facing difficulties in physics? Don't worry, I have a solution. We introduce the YouTube channel Conceptual Physics India. Subscribe and get free video lectures covering full syllabus of ITT JEE, NEET, CBSE, etc. Numerous online resources and study materials, free counseling and doubt clarification, tips and tricks to deal with numerical part and much more. You can also download the official app at Google Play Store or iTunes, Conceptual Physics. Visit www.conceptualphysicsindia.com and ask for free ebook. Subscribe to this channel and start your journey in physics today.